Assalamu alaikum, dear participants. Welcome to our workshop. Today's workshop is about ethical hacking and ISO 27001 lead implementer. This workshop is session conduct Mr. Sir Mudabbir. So please continue, sir. Okay, thank you, Zora. Assalamu alaikum. I hope everyone is fine. My name is Mohammed Mudabbir. I am a cybersecurity professional and enthusiast working in an organization. This organization is called National Center for Cybersecurity, located in NED University. It is a federal government-based organization, which is run by Planning Commission of Pakistan. Previously, I have worked in Trillium Information Security, and my career is almost of 2.5 years. And this is the professional career, but I have been working as a freelancer, so my complete career is of around 5 years. I am a trainer too. जो HEC की trainings होती हैं for their employees and IT staff, teachers. I have been conducting those trainings. Those are corporate trainings. वो trainings मैं conduct करता हुआ आ रहा हूँ from around a year. I have been the part of the team. मैं professionally as a blue team में काफी time मैंने काम किया है. I have been award part of the red team too. I will be training you. If you take the course of ethical hacking, I will be your trainer. और अगर आप ISO 27001 लेते हैं तो उसका भी ट्रेनर जो है मैं ही होऊंगा. So what we will cover, some fundamental topics in ethical hacking. We will also cover, basically this course is designed for people who are beginners, who do not know anything about ethical hacking or cybersecurity. They can start the career, start learning from this course. Bilkul scratch se ye course design kiya hua hai. Isme jo fundamental topics hai cybersecurity ke wo cover karenge. Uske baad hum basics of networking ko cover karenge. Jo topics bahut zyada important hai in terms of ethical hacking and cybersecurity. Unko hum deep down jaake cover karenge. फिर हम लिनक्स को देखेंगे. हम लोग पहले एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे. वो एनवायरनमेंट भी मैं आपको असिस्ट करते हुए आपके साथ सेटअप करवाऊंगा. उस एनवायरनमेंट को सेटअप करेंगे हम, और उसमें क्या कहते हैं देखेंगे कैसे हम अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, क्या नीड होती है उसकी. फिर हम बेसिक्स ऑफ लिनक्स को देखेंगे. लिनक्स की काली लिनक्स की स्पेशली वर्किंग कैपेबिलिटी क्या है, क्यों डिफरेंट है काली लिनक्स दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन से लिनक्स की, और क्यों प्रेफर की जाती है. फिर हम कमांड लाइन पे हैंड्स ऑन करेंगे, कमांड्स को अपने एनवायरनमेंट में चला के देखेंगे उनकी जो वर्किंग कैपेबिलिटी क्या है, वो क्यों यूज होते हैं और किस तरह हम लोग हैंडी बना सकते हैं. प्लस इसमें जो एडिशनल चीज़ है वो ये है कि मैं आपको बैश स्क्रिप्टिंग और पाइथन स्क्रिप्टिंग भी फॉर द स्टार्टर्स वो आप लोगों को सिखाऊंगा. द रीज़न इज कि स्क्रिप्टिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हैंडी कर देती है आपकी एथिकल हैकिंग को. आप मल्टीपल कमांड्स एक साथ चलाने के बजाय आप एक ही स्क्रिप्ट चलाते हो, सो मल्टीपल कमांड्स एक साथ चल जाती हैं, तो वो आपका जो टाइम है वो भी बचाती हैं. प्लस जब हम एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट के फेज में जाते हैं ना, तो हमारी जो स्क्रिप्टिंग है वो बहुत काम आती है. हमें अपना एक्सप्लॉइट अगर खुद लिखना हो तो उसमें ये चीज़ बहुत हैंडी हो जाती है. तो इन द स्टार्ट वी विल कवर ऑल दीज टॉपिक्स, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट एथिकल हैकिंग. देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ एथिकल हैकिंग. लेट्स सी व्हाट दोज आर and how will we cover those topics. It starts from the reconnaissance phase.
reconnaissance phase is actually also called information gathering. हम अपने टारगेट के अगेंस्ट समान इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं और उस के बेसिस पे हम फिर अपना प्लान आगे बनाते हैं कि हाउ विल वी अटैक और एक्सप्लॉइट आवर टारगेट. रिकॉग्निशंस इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, एक्टिव एंड पैसिव. पैसिव इज जस्ट लाइक सर्चिंग फॉर योर टारगेट, आप उसके सोशल मीडिया पे जाके उसकी जो इंफॉर्मेशन है उसको उठा लो वहां से, उसके लिए गूगल सर्च करके आप उठा लो, तो दिस इज पैसिव रिकॉग्निशंस. और एक्टिव इज एक्चुअली एक्टिव इज रनिंग नेटवर्क स्कैन्स, जो स्कैनिंग एंड एनुमरेशन फेज फिर यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है. यू स्कैन यूज डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स, फॉर एग्जाम्पल यू यूज एनमैप, नेसस, निक्टो एक्सेट्रा, देर आर टन्स ऑफ टूल्स फॉर नेटवर्क स्कैनिंग. और वी विल ऑल्सो स्कैन फॉर देयर ईमेल एड्रेसेस, देयर डोमेन्स, तो उनको उनकी स्कैनिंग करके हम उसमें एक्टिव रिकॉग्निशंस फेज को कवर करेंगे और उनकी जो इंफॉर्मेशन है, जो भी यूजफुल इंफॉर्मेशन होगी उसको हम अपने पास नोट डाउन करते हैं. देन वी विल मूव फॉरवर्ड टूवर्ड गेनिंग एक्सेस फेज, दैट इज एक्सप्लॉयटेशन फेज. वी विल यूज द प्रीवियस गेन इंफॉर्मेशन टू डेवलप एंड एक्सप्लॉयट, एंड वी विल गो इनटू देयर सिस्टम, वी विल हैक देयर सिस्टम. उसके बाद जब हमारा ये सब चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रिविलेज एस्किलेशन. उसको हम थोड़ा सा देखेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल हमने एक्सप्लॉयट करते हुए किसी यूजर के प्रिविलेजेस वहाँ पे लिए हैं और उसके पास एडमिन प्रिविलेजेस नहीं है, तो हम फर्दर प्रिविलेजेस कैसे हासिल करें, हम कैसे एस्केलेट करें अपने प्रिविलेजेस. उसके बाद हम मेंटेनिंग एक्सेस के फेज पे जाते हैं. हम वहाँ पे जाते हैं तो हम परसिस्टेंस कैसे मेंटेन कर सकते हैं. हम परसिस्टेंस के फेजेस में डिफरेंट स्क्रिप्ट्स डेवलप करेंगे और उस स्क्रिप्ट को यूज करते हुए हम परसिस्टेंस को मेंटेन करेंगे अपने पास. देन वी विल गो फॉर पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन फेज, कि हम इवेजन कैसे रखें और डिटेक्ट ना हो, इसकी कुछ चीज़ें को कवर करेंगे. अच्छा, इसमें हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी की कोड अपने पास सेटअप करेंगे. वी विल बी एक्सप्लॉयटिंग एक्टिव डायरेक्टरी. वी विल यूज पेनिट्रेशन टेस्टिंग फेजेस फॉर द एक्टिव डायरेक्टरी. वी विल ऑल्सो बी कवरिंग वेब एप्लीकेशन, वेब्स जो वेब एप्लीकेशन है उनकी हैकिंग को भी हम देखेंगे इस कोर्स में. और OWASP टॉप 10 को हम डीप डाउन जाके चेक करेंगे, उसके जो टाइप्स ऑफ अटैक्स हैं और वो टाइप्स ऑफ अटैक कैसे परफॉर्म होते हैं, फॉर एग्जांपल SQL इंजेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, उनका वर्किंग फिनोमेना क्या है, इफ देयर इज अ वल्नरेबिलिटी दैट इज रिलेटेड टू SQL इंजेक्शन, सो हाउ कैन यू एक्सप्लॉइट दैट. डेटाबेसिस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो हम बेसिक्स ऑफ डेटाबेसिस को पहले कवर करते हैं, बेसिक्स ऑफ SQL कवर करते हुए हम उस एक्सप्लॉइट फेस में जाएंगे. दिस इज इट. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी. आफ्टर दिस वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड टू आवर ISO 27001. यू फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चंस. Sir, please continue. Okay, so just give me a moment. I will start for ISO 27001. I'll give you an introduction. कि ये है क्या, and what are the rules for an implementer or an auditor.
what is ISO 27001? ISO 27001 is ISMS, Information System Management System, Information Security Management Systems. Basically, this is a standard standard framework for ISO for security, cyber security and management systems of IT infrastructure. इसमें तमाम गाइडलाइंस मौजूद होती हैं और हर एक एरिया ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर उसको कवर किया जाता है. व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, सो इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, जो आपकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो पॉलिसीज डेवलप होती हैं और स्टैंडर्ड एक फॉलो होता है, यू हैव टू मीट द कंप्लायंस. वो कंप्लायंस गवर्नमेंट पेज भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल इन बैंक्स, हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की कंप्लायंस फॉलो होती है. वी हैव टू मीट दैट कंप्लायंस. उसके अगेंस्ट में जो जो आपको गाइडलाइंस दी गई हैं टू इम्प्लीमेंट द सिक्योरिटी कंट्रोल्स बेस्ड ऑन टेक्निकल कंट्रोल्स, फिजिकल कंट्रोल्स और एनी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, उसके अगेंस्ट में गाइडलाइंस दी गई होती हैं और पॉलिसीज बनी हुई होती हैं, उसको मीट करना होता है. वो जो भी कंप्लायंस बनी हुई है वो भी किसी स्टैंडर्ड को फॉलो करती हुई बनी हुई होती है. Those standards are ISO 27001 or NIST. ISO 27001 is followed in Southeast Asia and Europe usually. So, हम लोग अगर इस पे एक्सपर्टीज हासिल कर रहे कर लें तो वी आर वी विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट दोज सिक्योरिटी कंट्रोल्स इफेक्टिवली एंड मीट द कंप्लायंस. और हम सिक्योरिटी को मेक श्योर कर सकते हैं जो वो अप टू द मार्क हो. ओके, सो देर आर फ्यू, देर आर टू टाइप्स ऑफ दी सर्टिफिकेशंस. वन इज एन इम्प्लीमेंटर एंड अदर इज एन ऑडिटर. ऑडिटर इज समवन हु रिव्यूज अगेंस्ट द इम्प्लीमेंटेड सिक्योरिटी कंट्रोल विद द रिटन पॉलिसी. वो रिव्यू करता है उस चीज को कि जो चीज इम्प्लीमेंट हुई है वो मीट करती है हमारी चीज जो रिटन पॉलिसी में थी. और इट कैन बी एन इंटरनल ऑडिटर टू एंड एक्सटर्नल ऑडिटर टू. इंटरनल ऑडिटर की टीम मेक श्योर करती है कि इंटरनली जो चीजें लिखी हुई हैं वो मीट हो. एक्सटर्नल उससे ये होता है कि हम लोग जो है मेक श्योर कर रहे होते हैं ऑन डेली बेसिस और वीकली बेसिस कि जो जो भी चीज इम्प्लीमेंटेड है वो अप टू द मार्क हो. और जब एक्सटर्नल ऑडिटर की टीम आए तो वो कोई क्वेश्चन रेज ना कर सके. इसमें हम कंप्लीट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं. वी स्टडी एवरीथिंग अबाउट एक्सेस कंट्रोल्स. वी स्टडी अबाउट मेंटेनिंग डेटा, मैनेजमेंट ऑफ डेटा, बैकअप्स. We study about logs. Why is logging important? We study about activity monitoring throughout the IT infrastructure. We study about